नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व मकर राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 4 नवंबर 2023 तक वक्री ही रहेंगे। शनि के वक्री रहने का प्रभाव वृश्चिक लगन व मकर राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि वृश्चिक लगन व मकर राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृश्चिक लगन है। चंद्रमा तीसरे भाव में 10 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि है। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर वृश्चिक लगन व मकर राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक लगन में बात करें तो शनि महाराज अभी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जैसे ही शनि महाराज वक्री होंगे वो तीसरे भाव की तरफ जाएंगे, मकर राशि की तरफ, और तीसरे भाव का शनि महाराज हमेशा शुभ फल देते हैं। तो वृश्चिक लगन के लिए शनि महाराज का वक्री होना बिल्कुल शुभ संकेत है जून से लेकर नवंबर के बीच में। मकर राशि से बात करें तो शनि महाराज धनवाप में गोचर कर रहे हैं। जैसे ही वो वक्री होंगे वो लगन की तरफ जाएंगे मकर राशि में, जहाँ से उनकी दशम पर दृष्टि होगी और देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी दशम भाव को देख रहे हैं। तो कैरियर के हिसाब से मकर राशि के लिए भी शनि का वक्री होना शुभ रहेगा। तो मेरा यह मानना है अगर आपका वृश्चिक लगन व मकर राशि है तो कैरियर के लिए आपके लिए शुभ समय रहेगा 4 सितंबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में, जब आपके लिए कैरियर से जुड़ी मुख्य मुख्य नई शुभ घटनाएं घट सकती हैं। ये वो समय है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है, आप अपनी वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश में भी जॉब मिलने का समय है, विदेश में सफलता मिलने का समय है। साथ ही आपके ट्रांसफर की भी संभावना बन सकती है। और अगर आप किसी कारणवश परेशान हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप किसी भी कारणवश अगर स्थान परिवर्तन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी और स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक लगन व मकर राशि के वो जातक जो अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर से नवंबर के बीच में विवाह तय होने की संभावना बन सकती है। जून से नवंबर के बीच में एक समय ऐसा रहेगा कि आप देखेंगे आपके रुके हुए काम पूरे होने लगे और कामों की गति आपकी तेज हो गई। तो आपको चेंज नजर आएगा अपनी लाइफ में 17 जून से 4 नवंबर के बीच में। इसके साथ साथ कुछ सावधानी रखिएगा, वृश्चिक लगन से चौथे भाव में शनि का गोचर है, चौथे भाव से माता का विचार करते हैं, चतुर्थेश आपका वक्री हो रहा है, इसलिए माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य पहले से ही खराब है तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय समय पर उनकी जाँच वगैरह करा लीजिए। कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो किसी प्रकार का कुटुंब विवाद होने की संभावना बनती है। और मकर राशि से शनि धन भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा धन से जुड़े मामलों में सावधानी, अचानक धन आने की संभावना। और किसी को भी जून से लेकर नवंबर के बीच में पैसा मत उधार दीजिएगा, आपका पैसा डूबने की संभावना बनेगी। साथ ही अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो उसमें सावधानी रखें, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप मिष्टिक लगन और मकर राशि के जातक हैं तो शनि का वक्री रहना आपके लिए शुभ रहेगा और वो परसेंटेज होगी 58%। 58% एक ऐसी परसेंटेज है जो इस बात का संकेत दिखा रही है कि बाकी जून से नवंबर के बीच में आपके कामों की गति बढ़ेगी और आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था कि मिष्टिक लगन और मकर राशि के लिए शनि का वक्री रहना शुभ रहेगा 58% तक, कैरियर के लिए आपके लिए बहुत शुभ समय है। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।